आप नहीं बोल रहे कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है। अब फिर अपनी बातें काट दी इन्होंने, देखो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है कश्मीरी पॉलिटिशियन वायरल वीडियो इन पाक, पीएम मोदी वर्सेस पाक पीएम। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं वो, काफी ज्यादा फायदा होगा आपसे, हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, और देखने वाले भी शायद कुछ उन्हें फायदा हो। कि अभी इंडिया के कश्मीर साइड के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम होता है वो बाप होता है किसी भी कंट्री का। मुझे बताएं पाकिस्तान का जो बाप है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बात यह है, अल्लाह का एक कानून है जी, जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है, ठीक है, और क्यामत के दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख लें, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क्यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं, हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप जी, हम बाद में आएंगे इधर, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा, अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुलम ना हो, याद रखना, ठीक है। अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया, ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी आज आप भी बात कर ले, यू कमिंग राइट नो बैक, ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे से? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं, ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं, बात ये है, दुखी तो होंगे ही बेचारे, अभी आर्मी वालों ने कूटा है ना पंजाब पुलिस वालों को, तो बेचारे वैसे ही बहुत दुखी हैं। जो बूट से कूटा है उसके जो वीडियोस आए, ओहो, क्या कहें, अब देख के तो बड़ा दुख हुआ, कैसे बेचारे पीटे जा रहे हैं बूटों से, बंदूक की बटों से। ये पंजाब पुलिस वाले बहुत मार खाए भाई, बहुत मार खाए, तो दुखी तो होंगे। अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, कयामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी हो। मैं ठीक है, वो तो जाहिर सर, तो कयामत का दिन देखा किसने है, आप बताओ ना, कयामत का दिन किसने देखा है? एक जो चीज कभी देखी नहीं गई उसको लेके अभी से बैठे रहना, लेकिन बाकी जो बीच में है वो तो मलाई खा रहे हैं ना, वो चाहे नवाज शरीफ मलाई खा रहा है, शहबाज शरीफ मलाई खा रहा है, इमरान खान मलाई खा चुके हैं, आजकल जेल में बंद हैं, उसके पहले बेनजीर भुट्टो मलाई खा चुके हैं, आसिफ अली जरदारी मलाई खा चुके हैं, उनका बेटा जो है वो क्या नाम है उसका, अरे गोलू मोलू साहब, बिलावल, वो मलाई खा रहा है। मलाई कौन नहीं खा रहा है? बेचारी आवाम जनता, जो टैक्स भी दे रही है, जो महंगाई की मार भी झेल रही है, जो कमा कर भी लेके आ रही है, और जिसके पैसे पर जनरल बाजवा से लेकर ये कोठियां खरीद रहे हैं, आप बताओ ना कौन सही है फिर? कयामत का दिन तो जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा यार। आज तो बढ़िया मजे में जी लो, आज तो अपने लिए सब करोड़ों डॉलर ले लो, और किया कि नहीं किया बता दो, ऐसा नहीं हुआ है तो। ये कहना कि कयामत के दिन पकड़े जाएंगे, ये किए जाएंगे, जो चीज देखी ही नहीं, जो चीज हुई ही नहीं कभी, और जब जिस दिन कयामत ही होगी तो उसके बाद तो कुछ बचना नहीं है, तो उसके लिए काय को अभी तनाव में लेना यार, उस दिन तो वैसे भी कुछ नहीं बचना। लेकिन अभी वर्तमान की अपनी जिंदगी उसके लिए खराब कर लेना, ये पूछो ना जाके जनरल बाजवा से, उसके पहले के जितने जनरल हुए, शहबाज शरीफ से, इन लोगों से, ये तो सब मलाई खा रहे हैं, इनको नहीं डर है कयामत वयामत का, यानी कि ये सब गोलमोल बातें हैं। सारी बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी पब्लिक वाले भी, हाँ, ये भी नहीं, ऐसे दो मतलब इंसान है यहाँ के भी, वहाँ के। सुनो ना, अच्छा, जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा, मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी, वो झूठ नहीं बोलते, अच्छा, वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं, ठीक है, ठीक है,
तो ये देख लो ठीक है। अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी, बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है, मजीद होगी, ठीक है। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करें तो अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है, तो इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, इससे भी बात करो। कैसे हैं? ये बहुत इंटेलिजेंट पीपल, बिल्कुल इंटेलिजेंट। ये मेरा भतीजा इससे बात। अच्छा, मैं सर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है किसी भी कंट्री का, वो समझ ले बाप की तरह का होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है? दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इस वक्त बैठा तो जरूर है वो। अच्छा, मगर जैसे आपने बोला है, एक घर का जो मेंबर हेड होता है, हाँ, वो ही है, ठीक हो, वो मुल्क का हेड है। तो वो कर क्या रहा है? वो कर इसलिए कर वही कुछ रहा है जो अभी उसके साथ हो रहा है। अच्छा, मुझे मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से ये जो बच्चे मौजूद है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम। प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आप आपको पता होना चाहिए क्या नाम है। मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो सीएम है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम शहबाज शरीफ है, ठीक है। और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका तो मुझे सुन के इतनी हैरत हुई, इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क का वजीर आजम कौन है, ठीक है। इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं, ठीक है। जाहिर बात है, इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, इनके लिए जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी तो पता होगा। जब बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे, ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है की अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना तो गाड़ियाँ रुक जाती है। क्या बात है। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है, कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जो कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट है या जो करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा, जहाँ करप्शन होगी वो सारा लोड आवाम पर पड़ता है, ठीक है। इन्होंने आवाम से पैसे निकालने हैं। अंकल जी, आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, मतलब पूरा। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा, ये जवाब मेरे से ले। अच्छा, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे है ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा, और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जमा समझ के वो हमारी बातें अपनाई हुई है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल अगर कह रहे हैं। हाँ। कमाल है यार, लॉजिकली ये कितनी गलत बात है। आप कोई भी एक जो पढ़ा लिखा बंदा हो, थोड़ा शांति से सोचो लॉजिक पे। जो चीज आप अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, 25 करोड़ आवाम पढ़ रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो पाकिस्तान का भला नहीं कर पा रही है, वही कुरान पढ़ के। लेकिन कुछ महीनों में, कुछ साल लगाकर अमेरिकियों ने पढ़ लिया इनके बकौल, और वो उसको फॉलो करने लगे और डेवलप हो गए, अरे सुपर पावर बन गए। कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे है? ये भोंगियां मार रही है, छोड़िए और रियलिटी पे बात कीजिए। नहीं, हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम के फॉलो वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो करें। नहीं, ये कर ये करना चाहिए ना इनको, तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची कौन है, ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है, मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान यार, आप अपने मजहब को क्यों
अरे तो हुक्मरान ने बाकी के 25 करोड़ पूरी आवाम को रोक रखा है क्या कुरान नहीं पढ़ने से, या कुरान पर नहीं चलने से, या कुरान की चीजों को फॉलो नहीं करने से? कौन सा हुक्मरान ने कहा है कि मत करो, आप मुझे कोई साबित करके दिखा दे? आप बातों को मोड़ दिया, आपने घुमा दिया, जहां पर नजर आया कि आप फंस रहे हैं आपने वहां पर बात घुमा दिया। हुक्मरान हुक्मरान, अरे भाई कमाल की बात करते हैं आप। इतने मदरसे हैं, इतने मौलवी हैं, हाफिज बन रहे हैं लगातार धड़ाधड़, सब कुरान पढ़ रहे हैं ना भाई, फिर क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, फिर पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं कर रहा, फिर पाकिस्तान के लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? और दूसरा आता है, पढ़ता है और डेवलप हो जाता है जी, फॉलो करने लगता है जी, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। तो क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसने क्या छोड़ो, ये बात तो सुने ना। अच्छा, हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखे, ठीक है, हमको हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा, जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील ख्वार हो जाएंगे। ठीक है, ये जलील ख्वार हो जाएंगे जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए, जलील हो गए। अच्छा, बात सुने जी जी, आप अमरीका से डरते हैं, क्या है अमरीका? कुछ भी नहीं, हमारा कोई बंदा जी, ये बच्चा खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सुभाष जी, आपने बताया वैसे क्या? अच्छा, हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं? अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाई जान, ऐसे ही? चचा जान और सोहेब भाई, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो इन चचा जान को दोबारा ढूंढो, और ये जो वीडियो में साइड में दिखा रहा हूं, 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौज के लोगों ने जो सरेंडर किया था, ये तो एक की बात कर रहा है कि 1 करोड़ के आगे है, तो 93,000 ने तो पूरी दुनिया जीत लेनी थी। पैंटे क्यों उतरी उनकी? ये ढेर देख रहे हो, हथियारों के ढेर जो डाले गए, सरेंडर किए गए, क्या ये मुसलमान नहीं थे? ऐसी बात करो जिस पर यकीन किया जा सके, वरना इसी दुनिया में सबूत मौजूद है तुम्हारे इस दावे को पूरी तरह पर्दाफाश कर देने के लिए। और आप ऐसा करके अपने मजहब का मजाक उड़वाते हैं। आप लोग अपने मजहब के लिए सीरियस नहीं है, इसका मतलब यह हुआ। ऐसी बात बोलिए जिस पर लोगों को यकीन हो, नहीं तो 93,000 कौन थे? ये वीडियो दिखवाइए और पूछवाइए कि तब एक कहां भारी था 1 करोड़ पे, वहां तो 93,000 थे, 93 करोड़ पे भारी पड़ना था उस समय तो। लेकिन सरेंडर कर गए, पैंटे उतर गई, बहुत बुरा हुआ। ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है, तो फिर क्या वजह है कि सही नहीं पढ़ते? नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते, ये वजीर आजम, अच्छा, ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं ये अपने। अच्छा, देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की, आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आगे खड़ा हो, चाहे वो चाहे करोड़ खड़ा हो, पूरी दुनिया काफर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा वो इसलिए। अच्छा, जो बात सुने, अच्छा, अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा, नहीं, वो देखें, हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे, तो नहीं, मेरी एक सारा मिक्स, आई डोंट वांट। अच्छा, जो सुने इसके बाद क्या बात होगी आपको क्या पता? मैंने क्या करा? जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब होगी, ठीक है। 100 साल का काफर मरने से पहले कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है इसके ये भी जनती है, बशर्ते के बकाया की जिंदगी कलमे के नीचे गुजार दे, सर मैं फौरन मर जाए वो जन्नत में, ठीक है। लेकिन हम आपको इतना अच्छा मजा मिला है, अच्छा, ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस कब किसी ने कोई कह रहा है कि मतलब अच्छा है या बुरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान सब पे बहुत भारी होगा, लाख आ जाए काफर, करोड़ आ जाए, मैं कह रहा हूँ हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे? हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? हम अमेरिका से गांडे हैं ना वो मुसलमान। यार सोहेब भाई, जब भी कोई ऐसा कहने यार, प्लीज आप 93,000 वाला सवाल जरूर पूछो यार, कि वो 93,000 पाकिस्तानी फौज के लोग कौन थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, अगर 1 करोड़ पर भारी है तो मुसलमान, 1 मुसलमान करोड़ों काफिरों पर भारी है तो। ये मुसलमान नहीं, ओ यार, ये जाली मुसलमान है। अच्छा,
ये इनके ये अल्लाह के ऊपर इतमाद करें ना, ठीक है, अल्लाह को पुकारें, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलके अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर करते, सभी ये दोनों ही सभी मिलके करें। अभी बात अभी आने अभी अभी बात खत्म नहीं करनी मैंने जी, बात सुनो। आप कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं शहर के करीब हूँ। जी जी, आप यकीन करें दिल से अल्लाह को पुकारे, जो बात कहेंगे अल्लाह आपकी तो सर हम और ये हाँ। ये जो हुक्मरान है ना हाँ हाँ। इनका ईमान कायम ही नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमरीका से पैसे मांगो, ठीक है, बगैर तो तुम अल्लाह को या अल्लाह अपनी खैबत गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं, अच्छा क्यों आए हैं, ये अल्लाह की तरफ से आया। नहीं, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, कोई एक नहीं दिल से मदद मांग रहा अल्लाह से, मतलब ये अवाम क्या करे। हाँ, नहीं अल्लाह से मदद मांगे ना, अल्लाह से मदद अवाम तो मांगती है। अच्छा ठीक है, जो डाकू तो ऊपर बड़े बैठे हैं, ठीक है वो सारी, लेकिन वो हजार डाकुओं की बात अल्लाह सुन लेता है और ये 25 करोड़ अवाम की बात अल्लाह नहीं सुनता, ऐसा कैसे हो सकता है। चाचा फंस रहे हैं इसीलिए चाचा काउंटर नहीं करने दे रहे, चाचा सोच रहे हैं कि मैं बोलता रहूं बस। चाचा मैं फिर कहूंगा, ये आप लोग हैं पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कोई अरबी, कोई यूएई, कोई टर्की, कोई ओमान, यहां के बंदों को आप ऐसी बातें करते हुए सुनवा दीजिए मुझे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका मतलब यह होता है कि भाई अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसको फारसी भी आएगी, उसको सब समझ में बातें आएंगी। एक कहावत है एक कि नतीजा दिखना चाहिए, कहां है नतीजा। आप फिर वही बात कर रहे हैं, फिर अपनी ही चीजों में आप उलझा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि खुले दिल से मांगो, तो भाई 25 करोड़ खुले दिल से मांगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन वो जो नेता बैठे हैं ऊपर 10,000 उनकी बात मान ली जा रही, तब तो पावरफुल तो वो नेता हुए ना जिनकी सीधा आपके अल्लाह से कनेक्शन है, वो सीधे बात मान लेते हैं उनकी। कमाल है यार, सारा माल तो वही खा जाते हैं। अभी जो फलस्तीन में इशू चल रहा है, हम हर दफा मस्जिद में हर जुम्मे की नमाज के बाद दुआ मांगते यार हैं। इनको सजा मिलेगी, क्योंकि ये हमारे हुक्मरान सब मुसलमान जो मुल्क है उनको सजा मिलेगी। किस वजह से? वही बात सुनो यार, अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके एक मुसलमान भाई को कहीं भी तकलीफ है आपका हक है उसका जाके पता लेना, सारा उसका मदद करनी। और ये देख रहे हैं हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं। नहीं, हम दुआ तो करते हैं, दुआ हम करते हैं ना। अच्छा, जिनके पास कंट्रोल है वो तो हमारी हुकूमत ने क्या किया, 2-4 जहाज भेज दिए खाने पीने की चीजें, बस आपने क्या किया उनके लिए हा? आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं, तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं तो में बड़ा असर होता है। असर उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा दुआएं तो करते हैं लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर, नहीं तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है, ये चीज है, ये सारी चीजें बेहतर। अब फिर अपनी बातें काट दी इन्होंने, देखो देखा ये पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे ही होते हैं। अभी इन्होंने बोला कि दिल से दुआ करोगे बिल्कुल सुनेगा अल्लाह, आपकी बात मानेगा, ये करेगा वो करेगा, 5 मिनट बाद अपनी ही बातों को काट दिया। उसने नहीं माना, ये भी नहीं मान रहे कि मैंने दिल से दुआ नहीं की, ये भी नहीं मान रहे कि मैंने दिल से दुआ नहीं की, लेकिन वो माना भी नहीं, अब फंस गए, अब बातों बातों में उलझा देंगे, ये अपनी बातों को काट दिया इन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं यार पाकिस्तानी आप लोग बड़े गजब आदमी हो यार, अपने आप को एक्सपोज करना आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अपने आप को भी एक्सपोज करते हो, उसमें रिलीजन को भी घुसा देते हो, बेचारा रिलीजन भी आपका बदनाम होता है और पूरी दुनिया हंसती है। तो कैसे होगी आप मुझे बताएं। बात सुने जी, एक बंदा है, अच्छा वो बड़ा अमीर था, ठीक है, वो गरीब हो गया, अच्छा तो वो रो रो के दुआएं मांगे और फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये देख लो, पहले तो अल्लाह ने क्या तुम्हें क्या पता है इसकी ये दाई मुझे पसंद है, जिस तरह वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है। ये हालात कैसे बेहतर होंगे, हमारे लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी बात कैसे सुनेंगे? नेबर से मांगे, अच्छा प्राइम मिनिस्टर वगैरह से, अमेरिका से ना मांगे। नहीं, अमेरिका से तो हम मांगना भी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं ले रहे माल खा रहे अमेरिका का, अभी वो गया हुआ है
अमेरिका से माल लेने के लिए। ठीक हो गया आज चाचा, अमेरिका से और बाकी जगहों पे नहीं मांगेंगे ना, वो जो सऊदी वाला आया भी है वो आपके पीएम गए गिड़गिड़ाए रोए तब वो आए हैं, भीख मांगी आपने तब वो आए हैं बेचारे भीख देने, उनके दिल में थोड़ी रहम है सऊदिया वालों के, देना बंद कर देना अगले दिन भूखो मर जाएंगे चाचा आप, भूखो, गिड़गिड़ाने से भी अनाज नहीं मिलेगा, गिड़गिड़ा कर दुआ पढ़ने से भी हो गया। अच्छा वो गए हैं लेकिन हम, मैं एक बात बताऊंगा यकीन करो अपने अल्लाह पर, सारे ये जो है ना हमारे हुक्मरान अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाएगा, लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है। हाँ। इतना सोना आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अल्लाह ताला ने खुद ये बोला है कि जब तक आप खुद नहीं कोई काम करोगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो, दुआ तो हर दफा मांगनी चाहिए लेकिन काम भी तो करो ना, ये चीज है। मैं इस चीज को कहता हूं ना, खाली दुआ, आपने जो भी बात कही है ना, अल्लाह कहता है जो बंदा अपने लिए कुछ कर खुद ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। हाँ। तो मैं क्या कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग हैं और खास तौर पे नॉन मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखें इस टाइम अमेरिका सुपर पावर कौन है दुनिया में, इस टाइम कौन सुपर पावर है, अमेरिका है। मैं तो अल्लाह को मांगता हूँ। सर वो तो ठीक है लेकिन दुनिया के जो एक बना हुआ है सिस्टम उसमें कौन है? चलो मान लो ठीक है, इसके अलावा अगर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जापान जर्मनी ये लोग आगे, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो क्या ये सब लोग जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा बस। हाँ आपका ईमान कायम है ना जी, तो आप बादशाह। अच्छा चाचा भाग गए, भाग गए चाचा, जहां असली बात की जवाब देने की बारी आई चाचा कट लिए भाई, चाचा कट लिस। नहीं अभी इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं बना, या नहीं, क्या नहीं, कहना चाहेंगे? बात उन्होंने सही कही है कि इंसान का ईमान जब पुख्ता होगा ना उसको पता है कि मैं, हम कहते हैं कि अल्लाह बाग ने हमें रिज़क देना है जी, तो अगर हमारा ईमान पुख्ता है नहीं, तो वो मिलना ही मिलना है जो हमारे मुकद्दर का लिखा हुआ है। अच्छा बस आपके कहने का मतलब ये है कि ये सोच के कि अल्लाह ने हमें जो देना वो देना ही है, हम मेहनत ना करें, हम आगे ना मेहनत करनी पड़ेगी तो यही मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो कोई भी देना चीज मिलती, पहले मेहनत करनी चाहिए, या मतलब पहले मेहनत करें और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मैंने मेहनत की है तो इसका फल देना, बजाय इसके कहें कि बस किसी से कोई तल्लुक ना रखो, अल्लाह से मांगो। जाहिर है कि हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे, ठीक है, और वही मदद करता है। मुझे बताएं दुनिया के दूसरे कंट्रीज कैसे आगे जाते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे जा रहे? पुराने पाक को फॉलो कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, हाँ जी, अमेरिका भी बिल्कुल कर रहा है, वो तहकीक सारी कुरान, मतलब ठीक वैसे ही बात हो गई कि मेरे पास जी पूरा वीट का खजाना भरा हुआ है, आटे की बोरियां लदी हुई हैं, पूरी दुनिया उससे खा रही है रोटियां, तो फिर आपका परिवार क्यों भूखे मर रहा है सर, आपके लोग क्यों नहीं खाना खा रहे हैं? नहीं नहीं वो तो मतलब कोई और बात हो गई, हम थोड़ा दूर हो गए हैं उससे इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आपके पास भंडार है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और आप ही का रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा और बाकी दुनिया उसको पढ़कर रिजल्ट निकाल ले रही है। इतनी बड़ी लॉजिकल बात आप समझ रहे हैं? खैर कुरान पाक ही कर रहा है। अच्छा वो कहता है हम लोग मिट्टी को छोड़ गए हैं। अच्छा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं हम लोग जी, बहुत काम करते हैं। पहले क्या होता था? ज्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते, क्यों होते थे आप बताएं जरा? उसमें शिफा थी। ठीक है हम किस चीज के बने हैं? मिट्टी के। मिट्टी में ही सारा कुछ है ना। ठीक है लेकिन जो साइंटिफिकली देखा जाए तो 70% पानी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा सब मिट्टी है? सब मिट्टी है, मुझे और मिट्टी ही होना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आप आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एज क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब कर, जॉब अपना काम। ठीक है लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से बड़ों से भी पूछा है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है पीडीएम। अच्छा सारे मिल गए। नहीं मुझे बताएं दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे, यानी हम जब मांगने पे जोर है तो फिर क्या करें?
ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था 295 रुपए का था, और इमरान हा का 17 रुपए का यूनिट था, आज 70 रुपए का हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब हम कामयाब हो जाएंगे। 70 रुपए में हो गए कामयाब, कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कामयाबी कामयाब उनको हम ना हो, कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्म ना तो कामयाब होंगी। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी, कह के लगा रही है। हंस तो रहे हैं सर। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल बातों पे नहीं आएंगे, लॉजिकल बातों पर नहीं आएंगे, दुनिया हंसेगी आप पर। आप ऐसी सुपरफिशियल बातें करते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं। दुआ आप करिए, दुआ अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम मत करिए। ऐसे दुआओं से कुछ होने वाला होता तो अब तक इसराइल तबाह हो चुका होता, फिलिस्तीन राज कर रहे होते, पूरी दुनिया मुसलमानों ने फतह कर ली होती। ऐसा नहीं होता। खैर, अब क्या समझाएं। बात दरअसल इतनी है कि काम तो करना पड़ेगा बॉस, बुद्धि लगानी पड़ेगी बॉस। और ये चीज हो नहीं रही, तो ऐसा करते रहेंगे तो दिक्कत तो होनी। काम करना नहीं है, सिर्फ दुआ पढ़ लीजिए, इनसे मांग लीजिए, उनसे मांग लीजिए। मांगना क्यों है, अपने हाथों पर यकीन रखिए ना, काम करिए, तब तो जाकर चीज ठीक होगी। इसी चक्कर में तो 76 इयर्स से पाकिस्तान इसी चक्कर में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि आप लोग उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे। मैं फिर एक बार कहूंगा कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, वरना ये लोग अगर हमारे साथ रहते तो ये हमें भी नकारा बना देते। अच्छा हुआ चले गए, ये तो कैंसर है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई काम नहीं करना है। इसी वजह से आपके यहां भिखारियों की संख्या बढ़ गई है। पता है कितने भिखारी हो गए आपके यहां, सुन लीजिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है, और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1,15,71,43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। और ये तो वो है जो रिकॉर्डेड है, 3 करोड़ भिखारी, बाकी तो पता नहीं और कितने करोड़ों होंगे। आप समझ रहे हैं, जिस देश की ऐसी हालत हो ऐसी सुपरफिशियल बातें करता है। भाई मैं तो हर किसी सवाल पूछता हूं, आप बता दो कि आपको आपके दीन पर चलने से किसने रोका है, आप ये बता दो कि आपको कुरान फॉलो करने से किसने रोका है, ये बता दो आपकी आप किसने आपके हाथ पकड़े हैं कि नहीं बिल्कुल नाम नहीं लेना है, चलना नहीं है उस पर। सब आगे ये कह देते हैं दीन से दूर हो गए तो जी हमको चलने नहीं दिया जा रहा है। कौन है वो, पकड़ो उसको, जब सब ये बात जानते हैं पकड़ो उसको, कौन चलने नहीं दे रहा। लेकिन आपने समझना नहीं। खैर, कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।